गाइस, तो टाइटल देख के आपको समझ ही गया होगा कि आज मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, और जैसे कि आपको पता होगा कि जहाँ महादेव होते हैं, जहाँ शिव मुझे मिलने वाले होते हैं, मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। तो गाइस, ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये अंबरनाथ में है, उल्लासनगर साइड वाला जो अंबरनाथ है वहाँ। अब वहाँ जाने के लिए दो तीन रास्ते हैं। फर्स्ट है बाय ट्रेन और दूसरा है बाय रोड। अब ये हूँ मैं, जो सुंदर दिखने की काफ़ी जी जान से कोशिश कर रही हूँ, बाल वाल संवार रही हूँ, और लास्ट में मुझे समझ आता है कोई फ़ायदा नहीं है। डाकू नहीं हूँ मैं, पर बनना पड़ता है। खुद ही देख लीजिए कितनी सारी धूप पड़ी है, करना पड़ता है, डाकू बनना पड़ता है, समझे? सच में आँख में धूल जा रही है। तो ये जो रोड है वो है तलोजा MIDC वाला रोड। तो अब वहाँ जाने के लिए ना दो साइड से, एक शीरफाटा करके जो रोड जाता है कल्याण साइड से वहाँ, और एक ये है तलोजा वाला, तो मुझे ये पास में पड़ता है। और सच बताऊँ तो आप भी इसी से जाओ, क्योंकि रास्ते भी अच्छे हैं और ट्रैफिक भी नहीं पड़ता। और अगर आप ट्रेन से भी जाना चाहते हैं तो मेरे यहाँ से तो थाने जाके ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। अब अपने अपने यहाँ से आप देख ही सकते हैं, मुझे गूगल बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट आपको लेके चलती हूँ अंबरनाथ। अब पूरे 1.5 आवर्स के राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं अंबरनाथ। तलोजा से सच में रास्ता बहुत पास में है, बहुत पास, सिंपल है, पास में नहीं है, टाइम उतना ही लगता है, बट ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं, रास्ते भी बहुत अच्छे थे, यहीं से आओ आप भी। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी शायद मेरे शॉर्ट्स में। तो यहाँ हमने एंट्री ले ली थी और हम पहुँच चुके, यहाँ पीछे ही मेरे मंदिर है। शिव जी के लिए फूल वगैरह लेने के बाद हमने एंट्री की मंदिर में। वाह, बस देखिए कितना खूबसूरत है, इसका आर्किटेक्चर ही बताता है कि ये कितना प्राचीन है। बस व्यू एंजॉय कीजिए, इसकी पवित्रता बस फील कीजिए, क्या नज़ारा है। और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे इतने पास होके भी मैं यहाँ नहीं आई थी। ये बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, 1000 ईयर्स से भी पुरानी है। सोचो, अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, तो मैं अपना वीडियो बंद करके बस दर्शन लेके बाहर आ गई। शक्ल देखो मेरी कितनी खुश और एकदम पीसफुल लग रही हूँ मैं। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा हस्बैंड सर्वे कर रहा है, उसका अपना अलग ही इंस्पेक्शन चल रहा था। अब इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि ऐसा कहते हैं कि ये पांडव जो थे उन्होंने एक रात में अपने अज्ञातवास में ये मंदिर बनाया था, पर उनसे पूरा नहीं बना था। उसके बाद कई सालों बाद एक राजा ने ये मंदिर पूरा किया था। करीब से देखिए, यहाँ पे एक एक मूर्ति की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो सेम हो सकती है, लेकिन वर्टिकली कोई भी लाइन एक दूसरे से मैच नहीं करती है। हर मूर्ति, हर कार्विंग अलग है। और ये जो मंदिर है वो अंदर से शूटिंग अलाउड नहीं था। मैं बताती हूँ आपको कि ऊपर चढ़ने के बाद आपको वापस नीचे आना पड़ता है 20 स्टेयर्स ऑलमोस्ट, उसके बाद नीचे महादेव की मूर्ति है, शिवलिंग है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि शिखर है ही नहीं, जो महादेव लिंग है ना उनके ऊपर शिखर है ही नहीं। तो ऐसा ही इनका नाम पड़ा था कि अंबर ही जिसका शिखर हो वो अम्बरेश्वर, और इसीलिए जगह का नाम भी अंबरनाथ पड़ा। दर्शन के बाद हमने कुछ खाया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, फास्ट था हम लोगों का, क्योंकि अब महादेव से मिलने आए हैं तो खाली पेट ही आएंगे, कुछ खा के तो नहीं आएंगे, तो हमने फास्ट रखा था दर्शन तक। और ये है मेरे हस्बैंड जो अपना खाना फटाफट एंजॉय कर रहे हैं, और मैं उनको जोक सुना रही थी खाते खाते, एंड ही इज ट्राइंग टू हार्ड नॉट टू गेट बॉदर्ड, बट शक्ल पे दिख रहा है भाई। खाना खा के हो गया, हम लोग निकलने के लिए रेडी। हम लोग निकल गए, उसके बाद अगेन ट्राइंग हार्ड टू लुक गुड, बट सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मंदिर 1000 साल पुराना है, और हमारे जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से तो बहुत पुराना मंदिर है। सच में मंदिर में इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है, और महादेव से मिलने के बाद तो मुझे हमेशा ही मिलता रहता है।
बट बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पास में है, आप ज़रूर इसे विजिट कीजिए। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे।